तो गाइज आज हम इस वीडियो में ये क्यूब वाला एनिमेशन बनाने सीखेंगे। तो गाइज ये जो क्यूब है आप देख सकते हो कि नीचे से लग रहा है कि ये कुछ लाइट जल रहा है, जिसकी वजह से ये जो लाइट है वो चारों तरफ क्यूब में जाने के बाद फैल जा रहा है, और ऊपर का जो सरफेस है वो फ्रेंड्स एक अच्छा ही ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, जो कि देखने में एकदम अमेजिंग लग रहा है। क्यूब को देखो तो थोड़ी देर के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। इसका आइडिया मैंने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से लिया था। सो गाइज वेलकम बैक ऑन ऑसम कोड, और चलो इसका कोड देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक डॉट क्यूब। इसमें इसके अंदर हम जो क्यूब है उसके 6 फेसेस लेंगे। तो मैं ले लेता हूँ बारी बारी, जैसे हैज़ टॉप मतलब आईडी ले रहा हूँ यहाँ पे बारी बारी से, जैसे कि टॉप बॉटम लेफ्ट फिर राइट, और उसके बाद हम लेंगे जैसे फ्रंट और बैक। तो हमारे पास ये 6 फेसेस हो गए क्यूब की, जिनकी हम अलग अलग स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बॉडी को एक डार्क सा बैकग्राउंड दे देते हैं, और विथ हाइट सब कुछ फुल रहेगा, ओवरफ्लो दे देंगे हम यहाँ पे हिडन। गाइस हमें बैकग्राउंड डार्क देखने को मिल गया है, और उसके बाद हम इस क्यूब की स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे एक डायमेंशन दे देते हैं, लेट्स से 200 पिक्सल्स का, और दोनों 200 पिक्सल्स रहेंगे। फिर क्या करते हैं कि इसमें हम ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं, जिससे कि जब ये हम इसका 3D में एनिमेट करें या फिर 3D में कुछ देखें तो वो हमें साफ साफ पता चले। तो हम क्या करते हैं कि रोटेट एक्स कर देते हैं 30 डिग्री, और सिर्फ रोटेट मतलब ये सिर्फ रोटेट, सिंपल रोटेट 45 डिग्री की रहेगी। यहाँ पे हम जो क्यूब के अंदर जो भी फेसेस हैं उनकी हम एक यूनिवर्सल स्टाइलिंग कर लेते हैं, कि वो सबका जो डायमेंशन रहेगा वो 200 पिक्सल से रहेंगे, सबका जो पोजीशन रहेगा वो एब्सोल्यूट रहेगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे मैं एक डेमो के लिए बैकग्राउंड दे देता हूँ, जिससे कि मुझे साफ साफ पता चले कि सब अपने पोजीशन पे आ रहे हैं या नहीं। सबसे पहले मैं बॉडी में क्लास लगा ले रहा हूँ फ्लेक्स, जो कि मैंने डिफाइन करके रखा है, जिससे कि ये जो चीज़ है वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं हैज़ टॉप मतलब सबसे पहले टॉप वाला जो वो रहेगा, लेट्स से हम अभी लेफ्ट लेते हैं। अभी हम लेफ्ट साइड वाले डीप की स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबको लेफ्ट से मतलब इसे 0 दे देता हूँ, टॉप से भी 0, और फिर हम इसे ट्रांसफॉर्म दे देंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान दें फ्रेंड्स, हर जगह यहाँ पे मैं ओरिजिन यूज़ करूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट, और फिर हम क्या करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट। तो रोटेट हम करेंगे इसे वाई से, रोटेट वाई 90 डिग्री। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पे एक दिक्कत थी, हमें जो मेन जो क्यूब है उसमें लगाना था ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D। ये भी चीज़ हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये एकदम लगा हुआ ही रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम क्या करते हैं कि ये जो 30 था फ्रेंड्स, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए हम इसे करते हैं 60, ताकि ये अच्छा देखने को मिले। अब हम करते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट है उसे राइट कर देते हैं, और सेम इसी में थोड़ा चेंज करके हम इसका राइट बाउंड्री भी बना लेंगे। तो राइट से 0, और फिर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस लगा देना है। देखो फ्रेंड्स हमें जो चाहिए था मतलब कि लेफ्ट वाला लेफ्ट बाउंड्री बना दिया है हमने, और राइट वाला भी बना दिया है। अब हमें एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगा लेना है, तो मैंने लीनियर ग्रेडिएंट का यूज़ किया है, और यहाँ पे क्या होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखना चाहिए, मतलब लाइटनिंग जो थी वो हमारी नीचे थी, तो उसे हम क्या करते हैं कि उसे हम रोटेट कराएंगे, जैसे कि 90 डिग्री। ये देखो फ्रेंड्स ये हमें मिल चुका है, मतलब कि जो लाइट है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है सिंपली। अब राइट में भी हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है कि बस माइनस लगाना है, और जिसकी वजह से हमारा जो भी काम है वो हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो पीछे है आगे वाला लगाना है, जिसमें कि हम क्या करेंगे कि जो क्यूब है उसे हम क्यूब थोड़ा 175 डिग्री पे रोटेट करा दे रहे हैं, ताकि आगे पीछे दोनों तरफ का हमें पता चले। तो हम क्या करते हैं कि डॉट फ्रंट मतलब सॉरी हैज़ फ्रंट आईडी है, हैज़ फ्रंट लिया हमने, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आगे वाला लगाना है, तो यहाँ पे लेट्स से लेफ्ट कर या फिर राइट ही अच्छा था, राइट ही ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना होगा हमें, टॉप लीनियर ग्रेडिएंट हम अभी बाद में देखेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म एक्स से हमें इसे रोटेट कराना है। ये देखो अपने सही पोजीशन पे आ गया। अब अगर हम इसमें ग्रेडिएंट स्टार्ट करते हैं, देखो फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि यहाँ पे 0 डिग्री कर देना है, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे हम 180 करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस फ्रेंड्स, तो अगर हमने 180 किया तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ अच्छे से नज़र आ रहा है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो फ्रंट था वहाँ पे सिंपल बॉटम लिखते हैं, और फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हमें चेंज करना है बॉटम की तरफ, और
माइनस को हटा देना है। फ्रेंड्स हमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो अपना क्यूब है इसे हम थोड़ा उल्टा रोटेट करा रखे हैं, तो हम इसे सीधा रोटेट अगर कराते हैं फिर भी देखो फ्रेंड्स अभी भी हमें नज़र नहीं आया है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो मैंने बॉटम लिखा है उसे बैक करना होगा, तो मैंने बैक किया तो ये सब कुछ अच्छे से काम करने लगा। अब जो 180 था उसे मैंने ज़ीरो करने पे ये एकदम सही से हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है कि हैश टॉप मतलब का जो मतलब कि जो ऊपर वाला चीज़ है उसमें हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड जो है उसमें हम 222 अच्छा रहेगा, बैकग्राउंड हैशटैग 222। ठीक है फ्रेंड्स वो हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक और डिप है जो कि बॉटम। तो अभी हम क्या करते हैं कि बॉटम वाले को अगर वहाँ से हटा दें, देखो पहले तो हम बॉटम वाले में एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। उसके बाद देखो फ्रेंड्स बॉटम वाला हमें दिखने लग गया है। फिर क्या करना है कि अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्म करके अगर हम इसे ट्रांसलेट जेड मतलब कि नीचे की तरफ ढकेल दें, तो देखना अगर हम मैं लिखता हूँ यहाँ पे 220 पिक्सल्स, तो देखो ये जो चीज़ है ये ऊपर जा चुका है और देखो जो टॉप वाला है वो नज़र आ चुका है हमें। तो हम इसे नीचे करते हैं मतलब कि सिंपल माइनस लगाना होगा वहाँ पे। माइनस लगाने के बाद ये सिंपल नीचे आ चुका है। फिर क्या करना है कि इसका जो विड्थ है उसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 200 था नॉर्मल विड्थ और हाइट, लेकिन अभी हम इसे 175 कर दे रहे हैं। लेफ्ट और टॉप से बराबर रखने के लिए हम 12 पिक्सल दे देते हैं फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स ये परफेक्टली अपने पोजीशन पे आ चुका है। इसे हम बैकग्राउंड थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और फिल्टर ब्लर इसे हम थोड़ा सा ब्लर करेंगे, ज़्यादा ब्लर नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्लर करेंगे। और क्या करेंगे कि बॉक्स शैडो हम इसमें बॉक्स शैडो लगाएंगे मतलब कि थोड़ा अच्छा लाइटनिंग जैसे थ्रो इफेक्ट हो उस तरह से देखने के लिए हम इसमें करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छा लाइटनिंग इफेक्ट हमें देखने को मिल चुका है। अब सिंपल हमें काम क्या करना है कि हमने क्यूब बना लिया है, अब इस क्यूब को हमें रोटेट कराना है। तो सिंपल है और इसे थोड़ा हम ऊपर भी कर लेते हैं जिसके लिए हमने टॉप से -100 लगा दिया है और 8 सेकंड का एनिमेशन होगा फ्रेंड्स। तो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे रोटेट कराना है। तो 0% पे ये हमारा ऊपर वाला जो डिफ़ॉल्ट पे है वो लगा देते हैं और 100% पे यही सेम चीज़ रहेगा। बाकी जो 45 है उसके जगह पे हमें इसे 405 कर देना होगा ताकि ये टोटल 360 डिग्री रोटेट हो पाए। यहाँ पे अपना जो बॉडी है फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था कि उसका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा था फ्रेंड्स, कलर चेंज हो रहा था। तो उसे हम कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स उसे करने के लिए सिंपली हमें बॉडी में एक एनिमेशन लगा देते हैं जिससे कि होगा ये कि हम उसमें फ़िल्टर रोटेट करेंगे, फ़िल्टर ह्यू रोटेट मतलब कि अगर हम उसे 360 डिग्री पे रोटेट कराएं तो आप देखो कि हर 18 सेकंड में उसका जो कलर है फ्रेंड्स वो चेंज हो रहा है। आप ध्यान से देखो तो हर 18 सेकंड में उसका जो कलर है मतलब हर 18 सेकंड में नहीं मतलब 18 सेकंड में एक बार उसका कलर जो है वो लूप पे चल जा रहा है। तो गाइज इस एनिमेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना और अगर आप इसी तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।